मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी भी अब हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए हिंदुत्व की राह पर चलती नजर आ रही है। कांग्रेस न सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है बल्कि भगवा रंग में भी रंगी नजर आ रही है। दरअसल भोपाल में कांग्रेस पार्टी की पुजारी प्रकोष्ठ की बैठक से पहले यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC कार्यालय को भगवा रंग में सजाया गया है। पार्टी के मठ मंदिर प्रकोष्ठ प्रमुख सुधीर भारती ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ लंबे समय से मंदिर के पुजारी की नियुक्ति के पुराने नियम को लागू करने की मांग कर रहा है। पुरानी व्यवस्था में पुरोहितों की नियुक्ति पूर्वजों द्वारा की जाती थी लेकिन वर्तमान व्यवस्था में कलेक्टर और सरकारी अधिकारी नियुक्तियां करते हैं। इस नियुक्ति में राजनीतिक और कुछ सांगठनिक हस्तक्षेप भी होता है। भारती ने आगे कहा कि प्राचीन काल से मंदिरों की देखभाल करने वाले पुजारियों के अधिकारों के साथ उल्लंघन किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सोमवार को जिला अध्यक्ष प्रभारी और सह प्रभारियों को नसीहत दी कि एकता बनाकर रखें, कोई दुश्मन हो तो भी उसे कार्यक्रम में बुलाया जाए, ये समय सभी को साथ लेकर चलने का है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई अन्य बड़ा नेता जिले में आए तो सबको उनसे मिलकर बात रखने दें, बूथ कमेटियों पर ध्यान दें क्योंकि बूथ मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। राज्य के साथ साथ जिलेवार वचन पत्र बनाया जाएगा, इसके लिए जिला इकाइयां जिले के प्रबुद्ध वर्ग से संपर्क करें। राजसत्ता TV पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा।